डॉक्टर साधना कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए CC12 पेपर पर चर्चा करने जा। CC12 में कॉमन डिजीजेज एंड डिसऑर्डर में एक चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए भी, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हृदय तथा रक्त संचरण संबंधी रोग में आहार, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आहार। तो आज का टॉपिक है हृदय तथा रक्त संचरण संबंधी रोगों में आहार। आज हृदय रोग आकस्मिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण माना गया है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 40 साल से बाद की आयु के मरने वाले लोगों में 50% लोग हृदय रोग तथा अधिक रक्तचाप में वृद्धि से मरते हैं। हृदय रोग कोई एक रोग नहीं होकर अनेक कारणों से होता है, इसलिए इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे तथा इस रोग की आक्रमण बहुत ही तीव्रता से होता है। बचपन में गले में खराश, प्राणिज वसा वाले भोजन का अधिक सेवन, शहरी गंदगी, व्यायाम की कमी, घरेलू परेशानी के कारण, मानसिक चिंता आदि हृदय रोग का प्रारंभिक कारण हो सकता है। इसलिए हृदय रोग से बचाव के लिए तात्कालिक चिकित्सा के साथ ही दैनिक जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। वास्तव में हृदय रोग कोई एक रोग नहीं होकर एक जटिल रोग है। हृदय वास्तव में एक जटिल मशीन है जो सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार फैलती और सिकुड़ती है, और इस फैलने और सिकुड़ने की क्रिया में हमारे शरीर में कई लीटर रक्त शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। हृदय के इस फैलने और सिकुड़ने की क्रिया से रक्त का निरंतर प्रवाह होता रहता है। रक्त प्रवाह में कोई बाधा आ जाने पर हृदय को अधिक दबाव के साथ प्रवाह करना पड़ता है तथा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस स्थिति को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीलीटर तथा डायसिस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर का पारा होता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति में यह 220 मिलीलीटर सिस्टोलिक और 120 मिलीलीटर डायसिस्टोलिक से भी अधिक हो जा सकता है। यह रोग प्रायः अधेड़ आयु के लोगों तथा वृद्धों में अधिक होता है। उच्च रक्तचाप से कई अन्य बीमारियां जैसे हृदय रोग, गुर्दे का रोग तथा मानसिक रोग आदि भी देखा जाता है। इस प्रकार हृदय शरीर के रक्त संचार का केंद्र स्टोर है, जो अशुद्ध तथा शुद्ध साफ रक्त के वितरण को नियंत्रित करता है। इसलिए इस यंत्र हृदय का सही काम करना शरीर के सभी अंगों के काम करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हृदय तथा रक्त संचरण व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर पूरे शरीर की क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती है। यदि अचानक रक्त प्रवाह रुक जाए तो हृदय पर जोर पड़ने के कारण उसकी मांसपेशियों को क्षति होती है, रोगी की छाती में तीव्र पीड़ा होती है और रक्तचाप गिर जाता है तथा व्यक्ति को एक भारी धक्का लगता है। सामान्य भाषा में यह दिल का दौरा, हार्ट अटैक की स्थिति कही जाती है। इस स्थिति में समय पर तुरंत चिकित्सा नहीं होने पर व्यक्ति विशेष की मृत्यु भी हो जाती है। हृदय विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट अति या उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन को हृदय रोग का मूल कारण नहीं मानकर इसे हृदय रोग को उत्तेजित करने वाला कारक मानते हैं। धमनियों की दीवार सिकुड़ जाने से रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। इसमें रक्त के बहाव में रुकावट होने से हृदय को आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हार्ट अटैक की दुर्घटना एक संपन्न समाज में अधिक देखने को मिलती है। उच्च पदों पर स्थित बड़े बड़े ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, राजनीतिक दलों के सदस्यों आदि लोगों में अधिक संख्या में बराबर संवेगात्मक मानसिक तनाव में रहने के कारण इस रोग के शिकार होते हैं। अब हृदय रोग के बारे में जानने के बाद हृदय रोग के कारण पर हम विचार करते हैं।
तो हृदय रोग का कारण कोई एक कारण नहीं होकर यह अनेक रोग कारणों से होता है। अधिक धूम्रपान, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, सुस्ती पैदा करने वाले व्यवसाय आदि हृदय रोग को उत्तेजित करने वाले कारक माने जाते हैं। चिकित्सकों के अनुसार इन तत्वों की उपस्थिति में हृदय रोग के होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक कारण, उम्र, सेक्स, अधिक भोजन, अधिक वसा वाले भोजन का प्रयोग, व्यस्त जीवन, मानसिक चिंतन, आंतरिक ग्रंथियों की अधिक सक्रियता, गुर्दों की खराबी आदि से भी यह रोग हो जाता है। भारत में संधि ज्वर, ज्वाइंट फीवर भी हृदय रोग होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। हृदय रोग का प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हृदय तथा रक्त संचरण व्यवस्था से संबंधित रोग कई प्रकार के होते हैं। पहला, महाधमनी का ऊपर या निचला भाग फैल जाता है और रक्त धमनी आंतरिक दीवारों को छेद कर देता है। यह रोग बहुत ही घातक होती है। दूसरा, हृदय की दीवारें मोटी हो जाती है या उन पर चर्बी की परत जम जाती है, जिससे धमनियों में से रक्त प्रवाह को बाधा पड़ने लगती है। यह ब्लड प्रेशर की स्थिति कही जाती है। हृदय की गति देने वाली धारा के मार्ग में अचानक बाधा के कारण हृदय की गति बंद हो सकती है या दिल के दौरे की स्थिति हार्ट अटैक होती है। चौथा, कभी कभी मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रक्त का जमा हुआ कण अटक जाता है, अर्थात क्लॉट हो जाता है, जिससे मस्तिष्क को रक्त पहुंचना बंद हो जाता है। चिकित्सा की भाषा में इसे मस्तिष्क की धारा अवरोध या सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस अर्थात ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। पांचवें प्रकार का हृदय रोग एक विचित्र प्रकार का हृदय रोग एक कीड़े के काटने से होता है। यह कीड़ा मैक्सिको, मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसमें कीड़े द्वारा छोड़े गए कीटाणु रक्त की धारा में प्रवेश कर हृदय को भारी क्षति पहुंचाते हैं। हृदय रोग का उपचार। अब हृदय रोग के उपचार में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं। इस रोग में उचित चिकित्सा के लिए अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि समय पर उचित चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति विशेष की मृत्यु की अधिक संभावना रहती है। दम फूलना, श्वास की गहराई में कमी आना, जल्दी जल्दी सांसें खींचना, श्वास की गति तेज होना आदि हृदय रोग के तात्कालिक लक्षण देखते ही तुरंत रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इस प्रकार उचित चिकित्सा के साथ ही अत्यधिक विश्राम एवं उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए रोगी को अधिक विश्राम करने देना चाहिए और उचित आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। इस स्थिति में एंटी कोलेस्ट्रॉल दवा एवं भोजन देना चाहिए। रोगी का भोजन तथा आहार व्यवस्था। हृदय रोग में दवा के साथ साथ उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसके लिए रोगी को इस प्रकार का भोजन देना चाहिए। इस स्थिति में रोगी को पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन वाला भोजन देना चाहिए, लेकिन कैलोरी की मात्रा कम देनी चाहिए। रोगी के भोजन में सोडियम की मात्रा कम कर देना चाहिए तथा सोडियम बहुलता वाली सब्जी नहीं देना चाहिए। रोगी को कब्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब्ज से मल निष्कासन में कठिनाई होती है और मल विसर्जन में जोर लगाने से हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी को गर्म पानी में नींबू बराबर देना चाहिए। रोगी का भोजन पेट फुलाने वाला भारी एवं गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। घी, तेल, मांस, मछली, अंडा आदि कम कर देना चाहिए। इस प्रकार के रोगी को मिश्रित अनाज 600 ग्राम, वसा रहित दूध 600 ग्राम, तेल 10 ग्राम, शक्कर 400 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम, नमक रहित सब्जी 20 ग्राम, आलू 100 ग्राम देना अच्छा रहता है। उचित भोजन, विश्राम एवं नियमित हल्का व्यायाम करना इस रोग में लाभदायक होता है। इसलिए रोगी के भोजन, विश्राम एवं व्यायाम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब हृदय रोगी के लिए एक दिन की आहार तालिका कैसी होनी चाहिए, जो इस प्रकार का होना चाहिए।
समय भोजन सुबह का नाश्ता 2 पीस ब्रेड 1 चम्मच जैम वसा रहित दूध से बना 1 प्लेट कॉर्नफ्लेक्स और 1 कप हल्की चाय मध्य प्रातः 10 बजे 1 गिलास फल का रस या 1 गिलास दूध दोपहर का भोजन चावल या रोटी उबाला बैंगन आलू टमाटर की सब्जी वसा रहित दूध या पुडिंग या फल शाम की चाय मीठा बिस्किट 1 कप चाय फलों का रस रात का भोजन 2 रोटी रायता सलाद टमाटर सोते समय 1 गिलास वसा रहित दूध। इस एक दिन के आहार तालिका में रोग की स्थिति रोगी उसकी तीव्रता तथा परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। परहेज यानी सिद्ध भोज्य पदार्थ जो रोगी को नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसे रोगी को घी तेल आदि वसायुक्त पदार्थ अधिक मसालेदार चटपटा भोज्य पदार्थ गाढ़ी एवं तेज कॉफी आदि नहीं देना चाहिए। धूम्रपान मदिरा शराब अधिक तेज गति से गाड़ी चलाना आदि पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार उचित आहार चिकित्सा एवं आहार व्यवस्था द्वारा रोगी के स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। हृदय से संबंधित रोग में आहार व्यवस्था करते समय रोगी की स्थिति रोग की तीव्रता आदि को ध्यान में रखकर आहार चिकित्सा करना चाहिए। उचित आहार चिकित्सा द्वारा रोग की स्थिति में सुधार आता है और रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।